Today we will discuss about the graphical representation of two perpendicular simple harmonic motions. दो simple harmonic motions perpendicular कब होंगी? जब एक simple harmonic motion along x-axis होगी और दूसरी along y-axis होगी. आप space के जो तीनों coordinate हैं उनमें से कोई भी दो coordinate ले लीजिए और motion अगर आप उन दो coordinates के along लेंगे तो आपकी motion जो है perpendicular motion या orthogonal motion कहलाएगी. तो कंसीडर कर लीजिए कि जो आपके दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड अलग है एंड दे हैव ए फेज डिफरेंस ऑफ डेल्टा इन बिटवीन देम. तो सोचिएगा दो इक्वेशंस आपके पास परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस की कैसे आएंगी. लेट अस कंसीडर वन मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस. तो आप इसको कैसे लिखेंगे? हमने एम्पलीट्यूड अलग लिया है तो आपके पास एम्पलीट्यूड हमने यहाँ पर ए वन कंसीडर कर लिया है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है हमने ओमेगा ली है तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस आ गई है ए वन कॉस ओमेगा टी. सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारे पास परपेंडिकुलर मोशन है वो हमने अलोंग वाई एक्सिस कंसीडर कर ली है. एम्पलीट्यूड हमने ए टू कंसीडर कर लिया, डिफरेंट एम्पलीट्यूड हमें यहाँ पर शो करना था. देर इज़ अ फेज डिफरेंस ऑफ डेल्टा. तो अब की बार ओमेगा टी के साथ एक एक्स्ट्रा एंगल दिखा दीजिएगा. यहाँ पर तो मोशन t इज इक्वल टू ज़ीरो टाइम पर ज़ीरो से ही स्टार्ट हुई है, यानी कि ओरिजिन से ही स्टार्ट कंसिडर कर रहे हैं हम. लेकिन y एक्सिस के अलोंग जो हमारी मोशन है व्हेन टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो, ऑलरेडी जो पार्टिकल है वो डेल्टा एंगल कवर कर चुका था. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हमें देनी है इस मोशन को तो देखिए सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन याद कीजिएगा कि आपने 11th में इसके सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी. एम्पलीट्यूड जो है वो सर्कल की रेडियस से इंडिकेट करते हैं और जो प्रोजेक्शन है आपके मोशन का वो अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा है तो आप पहली वाली इक्वेशन दिखा देंगे और अगर वाई एक्सिस के अलोंग आपने प्रोजेक्शन कंसीडर किया है तो आप सेकंड वाली इक्वेशन दिखा देंगे. लेट अस कंसीडर कि हम फर्स्ट मोशन इंडिकेट कर रहे हैं और फर्स्ट मोशन जो हम इंडिकेट कर रहे हैं वो हम इस सर्कल से इंडिकेट कर रहे हैं. Here we are representing our first simple harmonic motion with the help of a circle. Consider कीजिए कि आपका जो circle है उसकी radius है a1 वन जो आपके simple harmonic motion की amplitude को represent कर रहा है और center जो है हमने हमारे circle का consider कर लिया है for the first simple harmonic motion o1. तो अगर आपका particle t इज इक्वल टू ज़ीरो पर देखें तो आपका पार्टिकल t इज इक्वल टू ज़ीरो पर यहाँ था बिकॉज अलोंग x एक्सिस हम यहाँ पर इसके मोशन कंसिडर कर रहे हैं. एट एनी टाइम t द पार्टिकल इज एट अ पॉइंट p1 और जब पार्टिकल आपका इस पॉइंट से p1 पर आया तो ऑलरेडी ओमेगा t जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चुकी थी. तो अब अलोंग एक्स एक्सिस जब आप प्रोजेक्शन देखेंगे तो पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द सेंटर वो यहाँ पर एक्स ही हुई है. तो दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिमिलरली आप सेकंड सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेकंड सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग वाई एक्सिस हमें रिप्रेजेंट करनी है तो पार्टिकल जो है ऑसिलेट करेगा अलोंग वाई एक्सिस. तो कंसिडर कीजिए कि अगेन देर इज़ अ सर्कल but now the radius of the circle is a2. Let us consider the center of the circle is o2 and now we have to find out the projection along y-axis. At any time t the particle is not at the origin but it already having an angle of omega, having an angle of delta as compared to the फर्स्ट प्रीवियस मोशन. तो हमने कंसीडर कर लिया ऑलरेडी जो पार्टिकल है आपका t इज इक्वल टू ज़ीरो पर ऑलरेडी आपका पार्टिकल जो है थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो चुका है. लेट अस कंसीडर कि वो p2 पॉइंट के ऊपर आ चुका है और अगर t टाइम के ऊपर देखें तो जो पार्टिकल होगा वो हमारा p3 के ऊपर होगा और p3 पर जो एंगल है टोटल हमारा बन चुका होगा ओमेगा t प्लस डेल्टा. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशंस की जो परपेंडिकुलर हैं इनको हम एक ही ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसके लिए
हम इन दोनों सेंटर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर कि ये हमारे ग्राफ का ओरिजिन है, और ये जो ओरिजिन हमने कंसिडर किया है वो ओ वन जो सेंटर है हमारे फर्स्ट मोशन का, और जो ओ टू सेंटर है सेकेंड मोशन का, वहाँ से लिया है। नेक्स्ट हमारे पास इस जो फर्स्ट हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका रेडियस हमने कंसिडर किया है ए वन। तो अगर हमारे यहाँ प्रोजेक्शन देखेंगे हम अलोंग एक्स एक्सिस, राइट हैंड साइड प्रोजेक्शन आएगा तो उसको प्लस ए वन कह देंगे, लेफ्ट हैंड साइड प्रोजेक्शन आएगा तो उसको माइनस ए वन कह देंगे। तो ये आपके पास बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हम इस पर प्रोजेक्शन हमारे ग्राफ के ऊपर डाल लेते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा ए वन कहलाएगा, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा माइनस ए वन, एंड दिस इज़ योर एक्स एक्सिस ऑफ योर ग्राफ। Similarly, we can find out the projection on the y-axis with the help of the second motion. Second motion के अंदर आपका radius जो है, this is your a2 and this is considered as minus a2. तो आप अगर यहाँ से perpendicular डालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा plus a2, and the second projection on your graph is minus a2, and this is your y-axis. इन दोनों मोशंस को जो परपेंडिकुलर मोशन है इस ग्राफ पे हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पार्टिकल हमारा यहाँ पर था इस पॉइंट के ऊपर अलोंग एक्स एक्सिस, और पार्टिकल हमारा पी टू पर था टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर। तो एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो वी विल हैव द पार्टिकल एट पी टू अलोंग वाई एक्सिस, एंड द पार्टिकल इज़ एट ए वन along x-axis. It means this is the position of the particle at t is equal to 0. After time t, the particle shifted to point p1 and p3, and this point can be shown here in this graph like this. तो आप देखिए यहाँ पर आप दोनों motions को एक graph पे indicate कर सकते हैं, एंड द बोथ मोशंस आर परपेंडिकुलर मोशन। एक एक्स एक्सिस के अलोंग ली है हमने और एक वाई एक्सिस के अलोंग हमने यहाँ पर कंसिडर की है। डिफरेंट केसेस स्टडी करते हैं कि डेल्टा की वैल्यू अगर आपके पास अलग अलग आती चली गई तो किस तरह से हमारे पास ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों परपेंडिकुलर मोशंस की हो जाएगी। सबसे ईजी केस कंसिडर कीजिए कि फेज डिफरेंस हो ही ना, इट मीन्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द मोशन इज ज़ीरो। अगर आपके पास फेज डिफरेंस ज़ीरो आ गया तो एक्स वन एक्स मोशन को अलोंग एक्स एक्सिस जब आप रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाएगी ए वन कोस ओमेगा टी। सिमिलरली द परपेंडिकुलर सेकेंड सिंपल हार्मोनिक मोशन कम्स आउट टू बी ए कोस ओमेगा टी, एंड इन दिस केस द एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज़ द सेम बट देर इज़ नो फेज डिफरेंस। दिस इज़ द सिंपलेस्ट केस वी आर ड्रॉइंग ऑन द ग्राफ। अगेन ड्रो टू सर्कल्स, एक आप यहाँ पर वाई एक्सिस पे इंडिकेट कर देंगे हैविंग सेंटर ओ टू एंड रेडियस ए टू। सिमिलरली एक ग्राफ यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस सर्कल को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द सेंटर ओ वन, और इसकी जो हमने रेडियस कंसीडर की है, अब की बार रेडियस कंसीडर कर लीजिए ए वन। दोनों मोशंस एक ही टाइम पर स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अलोंग वाई एक्सिस मोशन हमें इंडिकेट करनी है, और यहाँ पर जो मोशन हमें इंडिकेट करनी है वो अलोंग एक्स एक्सिस इंडिकेट करनी है। तो इन दोनों का ग्राफ यहाँ पर ऑलरेडी हम पहले बना लेते हैं। ओ से प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए तो आपको वाई एक्सिस मिल जाएगी। ओ टू से जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो आपको मिल जाएगी एक्स एक्सिस। तो दिस इज़ द ग्राफ विच वी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ दीज टू परपेंडिकुलर मोशंस। एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो आपका पार्टिकल यहाँ था एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पर आपका पार्टिकल था वाई एक्सिस के ऊपर। तो अगर आप यहाँ देखें तो पार्टिकल देखिए आपको कहाँ मिलेगा, इधर से पर प्रोजेक्शंस डाल दीजिए तो पार्टिकल आपको मिलेगा पी पॉइंट के ऊपर। आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ टी
पार्टिकल लेट अस कंसीडर कि आपका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम कंसीडर कर रहे हैं पार्टिकल जो है आपका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर पार्टिकल को हम देखें कि 90 डिग्री पर कहाँ होगा, तो यहाँ से अगर पार्टिकल 90 डिग्री आगे चलेगा तो पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा। सिमिलरली यहाँ से अगर पार्टिकल 90 डिग्री आगे चलेगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। डेट मीन्स सेकेंड पोजिशन इसके लिए ये हो जाएगी और इसके लिए ये हो जाएगी, तो पार्टिकल आपको मिल जाएगा P1 पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट 90 डिग्री आगे मूव करवा दीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर, पार्टिकल आपको यहाँ मिलेगा। सिमिलरली 90 डिग्री अगर आप यहाँ मूव करवाएंगे तो पार्टिकल आपको यहाँ मिलेगा। और थर्ड पोजीशन के लिए आपके पास जो ग्राफ पे पॉइंट पोजीशन होगी पार्टिकल की, वो हो जाएगी आपकी P2। नेक्स्ट 90 डिग्री और ऐड कर दीजिए, पार्टिकल आपको एक्स एक्सिस पर यहाँ पोजीशन होगी पार्टिकल की, यहाँ पर 90 डिग्री आप ऐड करेंगे तो पार्टिकल की पोजीशन आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये देखिएगा, ये अगर आपकी पार्टिकल की पोजीशन यहाँ, और यहाँ पर पार्टिकल आपका यहाँ आ चुका है, इसका मतलब दोबारा पार्टिकल आपका पी पोजीशन पर जा चुका। इट मीन्स दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को जब आप एक ही ग्राफ पर प्रेजेंट करते हैं और उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है और उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो पार्टिकल आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से मूव करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन पे मिलेगा, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो आपके पास पॉजिटिव स्लोप होगा। एक थोड़ा सा इजी इससे नेक्स्ट लेवल पे देख लेते हैं कि अगर फेज डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता तो वहाँ पर आपके पास क्या कंडीशंस होंगी, वहाँ पर आप ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन को किस तरह से देंगे। तो अब की बार थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंडीशन लेकर चल रहे हैं। लेट अस कंसीडर द फेज डिफरेंस इज π/4। π/4 का मतलब है कि आपके पास फेज डिफरेंस कितने का आ गया, 45 डिग्री का आ गया है। तो हमने यहाँ कंसीडर कर लिया कि जो आपका एक्स है वो तो आपका A1 कोस ओमेगा टी ही है, लेकिन जो वाई है उसमें अब की बार हम डेल्टा 45 डिग्री एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। इट मींस जब टी इज इक्वल टू ज़ीरो था तो पार्टिकल जो है वाई का पार्टिकल 45 डिग्री एंगल ऑलरेडी जो है कवर कर चुका था। कंसीडर कर लीजिए कि ये आपके पास आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग वाई एक्सिस की रिप्रेजेंटेशन है, और ये आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपकी मोशन है। दोनों सर्कल्स की रेडियस जो है अलग दिखाइएगा, क्योंकि एक का एम्पलीट्यूड यहाँ पर आप A1 कंसीडर कर रहे हैं और दूसरे का एम्पलीट्यूड आप A2 कंसीडर कर रहे हैं। एक्स एक्सिस वाली मोशन में एक्स एक्सिस ही इंडिकेट कीजिएगा, और वाई एक्सिस वाली मोशन में आप यहाँ पर एम्पलीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस ही इंडिकेट कीजिएगा। अगेन इसका सेंटर O1 मान लीजिए और इसका सेंटर यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं O2। थोड़ा सा कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम हमारे सर्कल्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये हम कंसीडर कर लें कि मोशन ज़ीरो से स्टार्ट हुई थी, 45 डिग्री पर आप 1 पर पहुँच जाएंगे, 90 डिग्री पर आप 2 पर पहुँच जाएंगे, 45 डिग्री और ऐड कर लीजिए थर्ड पॉइंट, 45 डिग्री इसी तरह से ऐड करते जाइए, तो आपके पास जो है टोटल 8th पॉइंट पर आप दोबारा से ओ पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन हम वाई एक्सिस पर भी कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि सेम टाइम पर सेम ही एंगल कवर करेंगे या सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे दोनों पार्टिकल्स। तो यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरह से कर रहे हैं, यहाँ पर मोशन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है अलोंग वाई एक्सिस। 45 डिग्री पर आपको फर्स्ट पॉइंट मिल गया, 90 डिग्री 45 डिग्री और ऐड कर लीजिए, और यहाँ पर देखिएगा हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे थे तो मोशन यहाँ पर भी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेंगे। दिस इज़ योर थर्ड पोजीशन, दिस इज़ द फोर्थ पोजीशन, और ये आपकी फिफ्थ पोजीशन आ जाएगी। पोजीशंस जो हैं यहाँ पर हम 45 डिग्री के एंगल को ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आप सर्कल या पूरी एक साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं आफ्टर द 8th पॉइंट। सिमिलरली नेक्स्ट जो पीछे हमने किया था कि O1 से प्रोजेक्शन डाल दीजिए, O2 से प्रोजेक्शन डाल दीजिए, और ये आपका ओरिजिन यहाँ पर आ जाएगा। दिस विल बी योर एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी योर वाई एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी।
टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर देखिएगा कौन सा पार्टिकल कहाँ पर है। एक्स एक्सिस के ऊपर पार्टिकल आपका टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर यहीं पर है, लेकिन वाई पर ऑलरेडी जो है हम बता चुके 45 डिग्री का फेज़ डिफरेंस है, तो 45 के फेज़ डिफरेंस की वजह से पार्टिकल आपका ओ पर ना होकर पार्टिकल आपका ए पर है। तो यहाँ पर हमें पार्टिकल 45 डिग्री के एंगल से आगे दिखाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस पोजीशन और ये रहा आपका वाई एक्सिस का पोजीशन। तो ये हम यहाँ से इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं हमारे ग्राफ के ऊपर, और ये जो यहाँ प्रोजेक्शन आपके पास आएगा ये उतना ही आएगा जितने के आपकी रेडियस है, और यहाँ पर रेडियस हमारे पास कितनी थी, A1 थी। तो पार्टिकल की जो पोजीशन है आपके पास फर्स्ट पार्ट पोजीशन ये आ गई है। सेकंड देखिएगा यहाँ पर पार्टिकल जो है सेकंड पोजीशन यहाँ आएगी 1 के ऊपर, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल ऑलरेडी 1 पे था, 45 डिग्री आगे चला गया तो 2 पे आ जाएगा। तो ये आपकी सेकंड पोजीशन है अलोंग वाई एक्सिस। प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये पॉइंट आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये आपके पास प्रोजेक्शन वाई एक्स एक्सिस का यहाँ पर आएगा, दिस विल बी द पॉइंट। इसी तरह से नेक्स्ट जो है पार्टिकल आपका 2 से 3 पर शिफ्ट हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस। अगर मोशन देखें तो यहाँ पर आपका पार्टिकल 2 पे ही शिफ्ट होगा, क्योंकि 1 पे वो प्रीवियस पोजीशन थी इसकी, सेकंड जो नेक्स्ट पोजीशन है वो आपकी 2 आएगी। तो ये आप अगर यहाँ पर प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो आपको वाई एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट पोजीशन वाई एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी 2 से 3 शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पर 3 से 4 शिफ्ट हो जाएगी। प्रोजेक्शन जब आप ड्रॉ करेंगे, टोटल मोशन जब आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास मोशन कुछ इस तरह से हमारी ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट हो रही होगी, एक इलिप्स शेप बन जाएगी। तो 2 परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस को हम ग्राफ के अंदर यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। दीज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैन वेरी इजली बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ CRO, दैट इज़ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। लैब के अंदर आपने ऑसिलोस्कोप देखा होगा, ऑसिलोस्कोप में आपके पास एक स्क्रीन होती है एंड स्क्रीन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, एंड वी हैव स्मॉल ब्लॉक्स एंड लार्ज ब्लॉक्स हेयर, एंड वेन द इलेक्ट्रॉन मूव ऑन द स्क्रीन समटाइम्स वी फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ शेप ऑन द स्क्रीन, समटाइम वी फाइंड आउट सर्कुलर शेप, समटाइम वी फाइंड आउट इलिप्स शेप। ये और कुछ नहीं है, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं 2 प्लेट्स के अक्रॉस और 2 परपेंडिकुलर प्लेट्स के अक्रॉस जो आप मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो डिसाइड करता है कि आपके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ऑसिलोस्कोप के ऊपर क्या होगी। इसी तरह हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज भी वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमने दोनों केसेस में ही यहाँ पर भी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा कंसिडर की थी, यहाँ पर भी हमने एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा कंसिडर की थी। इट मींस 1 सेकंड में अगर यहाँ पर ओमेगा एंगल कवर हो रहा है तो यहाँ पर भी 1 सेकंड में ओमेगा एंगल ही कवर होगा। हम फ्रिक्वेंसीज नेक्स्ट जो हमारा केस रहेगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस हो जाएगा कि अगर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एंगुलर फ्रिक्वेंसी दूसरे से रेशो में ज़्यादा है या कम है, उसको हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में डिस्कस करेंगे।